हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश बाय शानू रावत। आज है 14 मई 2021 और 14 मई 2021 की वोकेबलरी की डोज के साथ आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ। तो प्यारे बच्चे, आज की जो अपने सेशन होने जा रहा है, इसमें मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो है कई बार रिपीट हुए हैं। तो आज के इस सेशन में टॉप 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए मेरे दोस्त, क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो भाई लाइक कर देना, और कोई अगर किसी भी तरह की कोई भी आपको जो कमी नजर आए, या फिर जिस तरीके से मैं बढ़िया इसको जो और अच्छे से कर सकता हूँ, अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आज का जो सबसे पहला इडियम है वो है आपका इन अफिक्स। अब देखो, आज की जो इडियम्स की सीरीज है, इसमें मैंने क्या काम किया कि इनसे जुड़े हुए सारे के सारे जो इडियम्स हमारे बनते हैं उनको कवर कर लिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारा पहला ये भी इन है, ये भी इन है। मतलब कहने का क्या है कि जो आपके फर्स्ट 11 इडियम्स हैं, ये सारे के सारे आपके वो इडियम्स हैं जिनकी शुरुआत आपकी इन से होती है। तो इन पर विशेष ध्यान रखिएगा, हर एक एग्जाम के लिए ये जो आपके इडियम्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर क्या काम करता है, छोटे से छोटा इडियम पूछता है और जिसका जो मीनिंग होता है वो भी छोटा होता है, जिससे कि एग्जामिनर जब ऑप्शन डालता है तो उसे ईजी हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन डालना। तो इस वजह से मैंने इन से जुड़े हुए जो पूरे के पूरे इडियम्स थे, मतलब पूरी सीरीज जो थी, उसको मैंने यहीं पे जो एक ही जगह कवर कर दिया। तो आप जो बड़ा ध्यान से समझिएगा, इनमें बड़ा बारीक बारीक से जो अंतर होता है, बड़ा माइनर डिफरेंस होता है, कहने का मतलब ये है। तो चलिए दोस्त, शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहला जो आपको वो है इन अफिक्स, और इन अफिक्स का मतलब होता है मेरे भाई इन अ बैड सिचुएशन, मतलब कठिन परिस्थिति में। तो ये जो आपका वर्ड होता है, इसका मतलब आपका क्या हो गया मेरे भाई, इन अ बैड सिचुएशन मतलब कठिन परिस्थिति में, जब विषम टाइम आता है या बैड टाइम आता है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इन अफिक्स। ठीक है जी, ऐसे याद रख सकते हैं आप कि भगवान ने जो बुरा टाइम होता है, भगवान हमारा बुरा टाइम पहले से फिक्स करके रखता है कि भाई इसको महीने में जो दो दिन बुरा टाइम दिखाना है इस तरीके से। तो याद रखो, जो पहले से फिक्स है वो क्या है, हमारा बुरा टाइम है, ठीक है ना। हालांकि भगवान ने कभी किसी के लिए बुरा टाइम फिक्स नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक याद करने के लिए ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है दोस्त। तो याद रखे, इन अ फिक्स मतलब क्या हो गया मेरे भाई, इन अ बैड सिचुएशन मतलब जो बुरी परिस्थिति होती है, बैड परिस्थिति होती है, उनके लिए वर्ड क्या आएगा, इन अ फिक्स। तो याद हो गया दोस्त, पहले से फिक्स क्या है हमारी, बैड सिचुएशंस। आगे बढ़ता हूँ, इन अ जिफी, इन अ फ्लैश। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक ही इडियम होता है, इसको दो तरीके से लिखते हैं, इन अ जिफी भी लिख देते हैं और इन अ फ्लैश भी लिख देते हैं। और इन अ जिफी या फिर इन अ फ्लैश, अब देखो फ्लैश याद रखो, जो मोबाइल की फ्लैश होती है वो कितनी देर के लिए जलती है, जब आप क्लिक करते हैं, क्लिक, समझ रहे, एकदम किच देने से हो जाती है, और एक मिनट के लिए, मतलब एक मिनट नहीं कह सकता, कुछ ही सेकंड्स के लिए जलती, एकदम बंद हो जाती है। तो इन फ्लैश, फ्लैश में अगर तुम फ्लैश में कोई काम करते हो, क्या जल्दी बंद हो जाएगी, तो जल्दी बंद हो जाएगी, इट्स मीन्स फ्लैश कैसे बंद होती है, वेरी फास्ट या फिर वेरी सून, बहुत जल्दी, समझ पा रहे हैं, फ्लैश कैसे बंद होती है भाई, बहुत जल्दी। तो याद रहेगा ना, इन अ जिफी और इन अ फ्लैश का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, वेरी सून या फिर वेरी फास्ट। आगे बढ़ जा रहा हूँ, जो आपका नेक्स्ट इडियम है वो है मेरे भाई इन अ लॉन्ग रन। अब देखो ये बड़ा आसान सा वर्ड है, इन अ लॉन्ग रन। अब देखो लॉन्ग रन आ गया, तो मेरे भाई लॉन्ग मतलब लंबी, रन मतलब दौड़, कि लंबी दौड़ में, तो भाई लंबी दौड़ में क्या होगा, लंबा टाइम पीरियड लगेगा, सोचने वाली बात है। तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, याद रहेगा भाई, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, याद हो गया ना, आसान 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 से वर्ड है। सबसे पहले को रिवाइज करो, इन अ फिक्स मतलब फिक्स कर रखा है, क्या फिक्स कर रखा है, आपका बैड टाइम, तो इन अ बैड सिचुएशन। दूसरा क्या था, इन अ जिफी, इन अ फ्लैश, मोबाइल की फ्लैश कितने देर के लिए जलती है, बहुत कम समय के लिए, तो इसलिए क्या आएगा, वेरी फास्ट या फिर वेरी सून। थर्ड क्या था, इन अ लॉन्ग रन, अब लॉन्ग रन लंबी दौड़ के बाद या लंबी दौड़ में, तो भाई इसका मतलब क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आगे बढ़ जा रहा हूँ भाई, नेक्स्ट आ रहा है इन अ हाई स्पिरिट। अब देखो इन हाई स्पिरिट का मतलब हो गया वेरी एक्साइटेड, मतलब हैप्पी या फिर एक्साइटेड या फिर एनर्जेटिक, इट्स मीन्स इसमें मैं कह सकता हूँ खुशी में या फिर उत्साहपूर्ण, इट्स मीन्स जब आप बड़ा ही एनर्जेटिक होते हैं, बड़े जोशीले होते हैं किसी काम को करने के प्रति, आप बड़े मतलब उत्साही होते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम क्या लेते हैं, इन हाई स्पिरिट्स। अब देखो मेरे भाई, हाई स्पिरिट आता है ना कि ये बंदा बहुत ज्यादा इसके अंदर स्पिरिट है, मतलब इसके अंदर काम करने की वजह से जोश है, तो हाई स्पिरिट, उसकी जो स्पिरिट है वहां जा रही है, हाई जा रही है, तो हाई जाने का मतलब कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड आदमी हो जाएगा। आगे चलो भैया, इन हॉट वाटर। अब देखो इसका तो इसको ऐसा याद करो कभी नहीं भूलेंगे आप, इन हॉट वाटर मतलब गर्म पानी में। अब भाई एक बात बताओ, अगर एक बहुत बड़ा सा टैंक हो, उसमें बहुत गर्म पानी भर रहा हो और आपको उसमें डाल दे, तो आपको क्या होगा मेरे भाई, नानी जी याद आ जाएंगे। अब नानी जी याद आ जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, आपको समस्या फील होगी, तो इन ट्रबल। तो गर्म पानी में अगर किसी को भी डालोगे तो उसे क्या होगा भैया, इन ट्रबल फील होगा। ऐसे याद रखो, अगर गर्मी पड़ रही है और गर्मी में गर्म पानी में डाल दो भाई, तो फिर क्या पूछता, वाह हाँ, मजा आ जाता है भाई। तो वही बात यहाँ की, आगे बढ़ रहा हूँ, इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर ये भी बड़ा शानदार इडियम है अपने आप में, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब परेशानी वाली स्थिति में, समझ रहे, मुश्किल परिस्थिति में, तो उसे बोलते हैं टाइट कॉर्नर। बोलते हैं ना कि यार बड़ी स्थिति टाइट चल रही है,
ऐसे याद रखो कि लॉकडाउन में अच्छे अच्छों की जो फाइनेंशियली कंडीशन हो कैसी होगी, टाइट हो गई, तो टाइट कॉर्नर का मतलब क्या हो गया, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, याद रहेगा दोस्त, तो क्या हो गया, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आगे बढ़ रहा हूँ, इन अ फॉग, फॉग का मतलब पता है आपको, कोहरा होता है भाई, फॉग का मतलब क्या होता है, कोहरा होता है, मतलब कोहरे में आप लेकर के जा रहे हैं, कोहरा है फिर धुंध। अब भाई जब धुंध में होता है यार तुम्हें कुछ चीज दिखाई नहीं देगी, और जब तुम्हें कुछ चीज दिखाई ही नहीं देगी तो भैया आप सभी क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आप समझ नहीं पाएंगे करूं तो करूं क्या, समझ रहे हो ना, तो वही वाली बात आ जाएगी। तो इन अ फॉग का मतलब क्या हो गया भैया, कंफ्यूज। आगे बढ़ रहा हूँ, इन नो टाइम, बिना टाइम को लिए हुए, तो भाई बिना टाइम को लिए हुए काम कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कैसे काम कर रहे हो, वेरी क्विकली, काम कैसे करो मेरे भाई, वेरी क्विकली, बड़ी जल्दी से, बड़ी तेजी से, ठीक है जी। तो याद रखें इन अ नो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें कई बार एग्जामिनर देता है टू डाई या फिर टू एंड द टाइम लिमिट, इस तरीके के ऑप्शन आते हैं और बच्चा फिर तुक्का मारता है और तुक्का हो जाता है गलत, तो आपको संभल के चलना है भाई। तो याद रहेगा इन अ नो टाइम का मतलब क्या हो गया, वेरी क्विकली। आगे बढ़ जा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जो आपका आइडिया में, इन अ नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब होता है ब्रीफली या फिर कंसाइजली, क्या होता है मेरे दोस्त, ब्रीफली या फिर कंसाइजली, इट्स मीन संक्षेप में, इसका मीनिंग आपको क्या होगा, ब्रीफली या फिर कंसाइजली मतलब संक्षेप में, मतलब जो छोटे में चीजों को कर रहे होते हैं, जैसे कि आप किसी को अपनी बातें समझाते हो, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं इन अ नटशेल। आगे बढ़ रहा हूँ, इन अ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हमेशा बदलता रहता है, ठीक है ना, तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, क्या लेंगे आप इसके लिए, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मेल्टिंग पॉइंट आप याद रखो, किसी भी चीज जो होता है, जितनी भी आप अलग अलग वस्तुएं उठाएंगे उन सभी का जो अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट है सबका अलग अलग है, तो याद रख लो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, अगर आप 10 ऑब्जेक्ट्स को उठाएंगे जो कि अलग अलग नेचर के, तो उन सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा, तो याद रखो मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या आएगा मेरे भाई, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इट्स मीन्स आपका सीधा सीधी सी बात अगर मैं इसमें कर लूँ तो इसका हो जाएगा अनिश्चित स्थिति, अगर मैं कॉन्स्टेंटली चेंजिंग की बात करूँ, लगातार चेंज होता है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें वर्ड करेंगे अनिश्चित स्थिति, मतलब कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी स्थिति जो कि आपकी जो है लगातार बदलती जा रही है, अनिश्चित है, ठीक है ना मेरे भाई। आगे बढ़ रहा हूँ, इन अकॉर्डेंस विद, अब देखो इन अकॉर्डेंस विद भी बड़ा आसान सा वर्ड है मेरे भाई, इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है इन कंफर्मिटी विद, अब देखो इन कंफर्मिटी विद जो होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है के अनुसार, इसका मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चे, इसका मतलब होता है के अनुसार, अब देखो इसको तो आप याद रख सकते हैं अनुसार, ठीक है ना, के अनुसार, इसमें आप देख पा रहे हैं इन अकॉर्डेंस, अब देखो अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है अनुसार, तो इन अकॉर्डेंस विद, तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग से ही मिला हुआ अकॉर्डेंस है, तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा, के अनुसार, इन कंफर्मिटी विद, इन कॉन्फर्मिटी विद, याद हो गए ना। चलिए एक बार ये इन से जो जुड़ी हुई सारी सीरीज है इसको मैं कवर करवाता हूँ, फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ, तो आप बोलिएगा जहां पे भी आप बैठे हुए, जोर जोर से बोलना जो घर वालों को पता लगे कि बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है ना, जिससे कि आपकी थोड़ी सी 50 ग्राम इज्जत बढ़ जाए। तो देखिए दोस्तों, पहला था इन अ फिक्स, तो इन अ फिक्स का मतलब होता है इन अ बैड सिचुएशन, फिक्स कर रखी है भगवान ने क्या तुम्हारी बैड सिचुएशन। इन अ जिफी, इन अ फ्लैश, तो फ्लैश जलाते क्या होता है, बहुत जल्दी, बहुत कम समय के लिए फ्लैश जलती है, तो वेरी फास्ट, वेरी सून। इन अ लॉन्ग रन, जब लॉन्ग रन में जाओगे तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन हाई स्प्रिट, सॉरी स्प्रिट क्या हो रही है, हाई हो रही है, इट मीन्स वेरी एक्साइटेड, एनर्जेटिक या फिर वेरी हैप्पी। इन अ हॉट वाटर, भैया गर्म पानी में डालोगे तो क्या होगा, इन ट्रबल। इन अ टाइट कॉर्नर, तो सिचुएशन कैसी चल रही है, तुम्हारी परिस्थिति कैसी है, फिलहाल टाइट चल रही है, फाइनेंशियल स्थिति कैसे टाइट है, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, इन डिफिकल्ट सिचुएशन। इन अ फॉग, फॉग मतलब धुंध, कोहरा, तो कोहरे में क्या होता है भैया, कंफ्यूज, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इन नो टाइम, जब समय ही नहीं है आपके पास, इसका मतलब आप कैसे करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी काम होगा, तो वेरी क्विकली। इन अ नटशेल, नटशेल पढ़ा रखा है पहले भी, ब्रीफली कंसाइजली, संक्षिप्त में, छोटे तरीके से, मतलब कम से कम बातों में ज्यादा ज्यादा मीनिंग देना। इन अ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हर वस्तु को बदलता रहता है, इसलिए कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इन अकॉर्डेंस विद, तो इन कंफर्मेटिव, इन कन्फर्मेटिव विद, इट्स मीन्स के अनुसार। आई होप प्यारे बच्चे ये 11 जो idioms हैं ये आपको समझ में आए होंगे, मैं जल्दी से आपको लेकर के चल रहा हूँ आगे। देखिए दोस्त, एट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर 12th idiom, एंड आवर 12th idiom इज अ हिमालयन ब्लंडर, एंड अ वेरी इजी idiom इट इज। As you all know that blunder, it means a big mistake. And I discussed that particular word in our confusing noun. तो दोस्त blunder क्या होता है मेरे भाई? Blunder का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, जिसके लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि blunder के पहले कभी big नहीं आता और blunder के बाद में कभी mistake नहीं आता, जो कि मैंने जब superfluous expressions पढ़ाया था तब भी क्लियर किया था। तो blunder आ गया भाई। अब हिमालयन blunder, हिमालयन मतलब पर्वत के ऊपर चढ़ के blunder कर रहे हो यार,
ऐसा रख लो कि तुम पर्वत के ऊपर चढ़ गए और फिर ब्लंडर कर रहे हो, ब्लंडर भी कैसी होती है, बड़ी मिस्टेक। तो यार जब तुम इतने ऊपर जाके बड़ा कांड करोगे तो भाई वो तो खतरनाक हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, अ वेरी सीरियस क्राइम और मिस्टेक या फिर एरर। क्योंकि बड़ा सीरियस अगर तुम मिस्टेक कर रहे हो या फिर एरर कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, हिमालयन ब्लंडर। तो ऐसे याद रखो कि अगर ये जो वर्ड है ना तुम्हारा ब्लंडर, अगर इस ब्लंडर वर्ड की डिग्री आपको इंक्रीज करनी है तो आप इसके पहले क्या चिपकाएंगे भैया, हिमालयन लगा देंगे, ठीक है, गलती से भी बिग मत लगा देना, आप इसके पहले क्या लगाएंगे, हिमालयन लगा देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं, हश मनी, पहली बार मतलब ऑलरेडी आप सभी को शायद पढ़ा रखा है, मनी दैट इज गिवन टू समथिंग सीक्रेट, इट्स मीन्स हश मनी का मतलब होता है कोई भी वो पैसा जो कि किसी बात के लिए चुप रहने के लिए दिया जाता है। सीधे शब्दों में समझो ना यार, क्यों सिर में दर्द करते हैं आप अपना, तो इसका मतलब होता है मेरे भाई रिश्वत, ब्राइब, ठीक है। हशमनी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, रिश्वत, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, हश हश, अब देखो हश 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 हश, तो क्या हो गया, वेरी सीक्रेट, समझ रहे हैं ना, गुप्त रूप से। हश हश का मतलब क्या हो गया भैया, वेरी सीक्रेट, गुप्त रूप से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हार्ड चीज, हार्ड चीज का मतलब क्या होता है मेरे भाई, हार्ड चीज, इट्स मीन्स बैड लक, इट्स मीन्स दुर्भाग्य, ठीक है ना। बैड लक आप सभी जानते हैं कि यार आज तो मेरा बहुत बैड लक चला, इट्स मीन्स ये मेरा बैड लक था, दुर्भाग्य, ठीक है जी। तो हो गया हार्ड चीज, याद रहेगा ना। देखो हशमनी क्या हो गया, रिश्वत हो गई, हिमालयन ब्लंडर क्या हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, एक बहुत सीरियस क्राइम हो गया, हश हश क्या हो गया, सीक्रेट गुप्त रहस्य हो गया, हार्ड चीज क्या हो गया मेरे भाई, बैड लक हो गया। आगे बढ़ रहा हूं, हैव गॉट समबडीज नंबर, अब बड़ा शानदार इडियम आ गया रे चीतो, आज तो मौज आ गई आप सभी की, समझ रहे हो ना, ये बोला मौज कर दी मौज। अब देखो, हैव गॉट समबडीज नंबर, अगर मैं अब आपकी जगह मैं होता तो मैं भी वही सोच रहा होता जो आप सभी सोच रहे हैं कि भाई किसी का नंबर मिल गया तुम्हें, ठीक है ना, अब तुम्हें किसी का नंबर मिल गया तो तुम हो जाओगे खुश। लेकिन बात यहाँ पे भाई नंबर की नहीं है रे, इंग्लिश चल रही है, कोई तुम्हारा वो थोड़ी चल रहा है शो। तो इसका मतलब आता है टू अंडरस्टैंड समवन, इट्स मीन्स कि किसी के इरादे को भांपना, इसका जो मीनिंग होता है ना, हैव गॉट समबडीज नंबर, इट्स मीन्स किसी के इरादे को भांपना। आप पहले से पहले समझ जाए अगर किसी के बारे में कि भाई ये चाहता क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहा है आप सभी के साथ, तो उसको बोलते हैं मेरे भाई कि हैव गॉट समबडीज नंबर, याद रहेगा ना। किसी का नंबर मिलना मतलब तुम उसके इरादे को बाप को इच्छा कह रहा है। आगे बढ़ रहा हूँ, टू हैंग फायर, अब देखो टू हैंग फायर जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चा इसमें कई बार सोच लेता है कि इसका मीनिंग होता है आग के हवाले करना, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर जो है फायर है ना, इसका मतलब आग से कहीं तक भी नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है मेरे भाई टू डिले मेकिंग अ डिसीजन, इट्स मीन्स विलंब करना या विलंब होना, ठीक है ना। इसका मतलब आपका क्या होता है मेरे भाई, विलंब होना या फिर विलंब करना, याद रखना ये एडियम है दोस्त, इसमें जो वर्ड है उसका मीनिंग कभी सेम सेम आ ही नहीं सकता। वो आपको याद भी आ रहा होगा ब्लैक डॉग, तो ब्लैक डॉग का अगर बच्चे मीनिंग निकालने लग जाए तो इसका मतलब होता है कि काला कुत्ता, लेकिन काला कुत्ता इसका मीनिंग नहीं होता, इसका होता है डिसग्रेसफुल पर्सन। तो वहीं पर वही बात यहाँ पर आ जा रही है, तो यहाँ हैंग फायर का मतलब होता है कि विलंब होना। आगे बढ़ रहा हूँ मेरे भाई, हैव द एज, और हैव द एज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि यार ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं एक भी ईडियम ऐसा नहीं पकड़ता जो मुझे मतलब दमदार नहीं लगता, तो उसे मैं क्या छोड़ देता हूँ पहले कि भाई तू अपनी टक्कर का नहीं है, ये तुझे अपने बच्चे जो है नहीं लेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्त, तो हैव द एज का मतलब होता है टू हैव एन एडवांटेज, इट्स मीन्स फायदा उठाना, टू हैव एन एडवांटेज का मतलब क्या होता है मेरे भाई, फायदा उठाना। आगे बढ़ रहा हूँ, ऑप्शन चॉइस, एज यू ऑल नो बहुत बढ़िया तरीके से याद है, नो चॉइस एट ऑल, कोई विकल्प ना होना, जब आपके पास केवल एक ही चॉइस हो और आपको वही चुनना पड़े तो वहां जो सिलेक्शन होता है वो ऑप्शंस चॉइस हो जाता है। आगे बढ़ रहा हूँ, इन अ पिकल, अब देखो पिकल का मतलब आप सभी जानते हैं चीतो, क्या होता है, अचार। पिकल का मतलब हमारा क्या होता है मेरे भाई, अचार होता है। तो ये क्या करे, इन अ पिकल, अब तुम अचार में हो यार, अब अचार कोई बढ़िया चीज तो है नहीं कि तुम उसे घुस जाओ यार उसमें, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, इन अ डिफिकल्ट टू ऑफ अनप्लीजेंट सिचुएशन, इट्स मीन्स कठिन परिस्थिति में या फिर कष्टदायक परिस्थिति में जो आदमी होता है उसको बोलते हैं इन अ पिकल, ठीक है भाई। जब परेशानी में हो तो उसे बोलेंगे इन अ पिकल, ठीक है, याद रहेगा ना। आगे बढ़ रहा हूँ, आइसिंग ऑन द केक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है मेरे भाई एन एक्स्ट्रा एनहेंसमेंट, और एन एक्स्ट्रा एनहेंसमेंट का मतलब होता है मेरे भाई सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा। ऐसे समझो मेरे भाई कि आप किसी काम को कर रहे थे और आपको उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, आइसिंग ऑन द केक। आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट टू ज्वाइन फोर्सेस, तो ज्वाइन फोर्सेस का मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई, अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा इसमें अपना बुद्धि लगाते ही गलत करेगा इसको, अगर आपने इसमें अपना दिमाग लगाया ना या फिर आपने अपना ज्ञान फेल दिया तो भाई गलत हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे लगता है टू ज्वाइन फोर्सेज, मतलब जो फोर्स होते हैं जैसे आर्मी, नेवी या इंडियन एयरफोर्स, उसको ज्वाइन करने के लिए सोच लेते हैं हम इसमें। नहीं मेरे भाई, इसका मीनिंग होता है वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, मतलब एक साथ काम करना किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, फिर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अगर हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं टू ज्वाइन फोर्सेस। ठीक है ना मेरे भाई, याद रखो हर इंसान के अंदर अपनी फोर्स होती है। फोर्स का मतलब फिजिक्स वाली भाषा में समझो तो बल होता है। ठीक है भैया, फोर्स का मतलब बल हो गया, तो मतलब जितने भी बल थे सबके, वो सबके सब एक जगह ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो जब एक जगह सारे सारे इंसान की ताकत लगेगी तो कोई भी टारगेट जो उसको आप इजीली अचीव कर जाएंगे। ठीक है ना, चलिए। तो दोस्त इसीलिए आप इसमें याद रखें तो ज्वाइन फोर्स मतलब बल ज्वाइन कर लिए, इट्स मीन्स वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। आगे बढ़ रहा हूँ, टू ज्वाइन द मेजोरिटी, ये बड़ा तगड़ा आ गया। अब देखो भाई, यहाँ फिर से वही आती है कि टू ज्वाइन द मेजोरिटी, की जो ज्यादा बहुल पक्ष है उसको ज्वाइन करना। यहाँ पे हम क्या सोचेंगे अपनी तरफ से कि जिस भी टॉपिक के ऊपर जिस तरफ लोगों की ज्यादा सजेशन जा रहे हैं हम उसे ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, मेजोरिटी का मतलब होता है टू डाई, मर जाना, समझ रहे हैं ना। जब कोई इंसान गुजर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके घर पे क्या होता है, बहुत सारी भीड़ हो जाती है। ठीक है ना भाई, तो ज्वाइन कर रहे हो मेजोरिटी को, तो मेजोरिटी कैसे ज्वाइन करोगे मेरे भाई, कि मर जाना, याद रहेगा ना। मेजोरिटी, मेजोरिटी कब होगी, जब कोई इंसान गुजर जाएगा, तो वहां पे हर कोई जाता है और एक ही पक्ष में बोलता है कि इंसान बहुत बढ़िया था, बस किसी की बात नहीं मानता था। ठीक है ना, कि मेहनत बहुत करता था, बस किसी की सुनता ही नहीं था, बस सही दिशा में मेहनत नहीं करता था। जैसे कि टीचर अपने बच्चे के लिए, जैसे पीटीएम होती थी ना, तो हमारे जो गुरुजी थे वो हमारे पेरेंट्स से क्या बोलते थे कि बच्चा आपका बहुत अच्छा, बहुत मेहनत करता है, बस नंबर ही नहीं आते सर। इसी तरीके से अगर कोई हमसे पूछता है कि बेटा आपका एग्जाम कैसा गया, कि एग्जाम तो बड़ा शानदार गया, बस रिजल्ट ही बेकार रहेगा, तो वही कंडीशन यहाँ गई भैया। टू ज्वाइन द मेजोरिटी, इट्स मीन्स टू डाई। आगे बढ़ रहा हूँ, टू ज्वाइन टेक इश्यू विद, अब देखो ये तकड़ा वर्ड है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो टू ज्वाइन, अब देखो ज्वाइन ज्वाइन वाले मैंने तीन एक साथ idiom कवर कर लिए, जिससे कि आप इनमें वेरिएशन देख सकें, इनमें आप डिफरेंस कर सकें। ये कह रहा है टू ज्वाइन और टास्क इश्यू विद, या टेक इश्यू विद, ये टेक था मेरे भाई, टेक इश्यू विद, ठीक है ना, टू ज्वाइन और टेक इश्यू विद, तो इसका मतलब क्या होता है, टू कॉपरेट, इट्स मीन सहयोग, किसी कैसे समझो, किसी खास विषय पर सहयोग करना या फिर किसी खास विषय पर साथ देना। ठीक है, सो कॉपरेट बोलते हैं, कॉपरेट तो आप जानते हो यार, साथ देना। चलिए, जुडास किस, एज यू ऑल नो वेरी वेल, जुडास किस, इट्स मीन्स, इसका सीधे शब्दों में मीनिंग रखो मेरे भाई, फॉल्स लव। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, फॉल्स लव, ठीक है ना। इस पे तो वाला गाना सूट करता है मेरे भाई, बेवफा 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 निकली है तू, ठीक है ना, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार जीती है तू, वो वाला डायलॉग जो होता है वो समझ लो idiom, किसके किस idiom की एक्सप्लेनेशन करता है वो वाला गाना, वो करता है जुडास किसकी। ठीक है ना भाई, याद रखें, वो जो गाना है बेवफा बेवफा वाला, वो गाना किस idiom को एक्सप्लेन करता है, जुडास किसको। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आएगा, ए ट्रेटेरियस एक्शन डिस्गस्टेड एज अ शो ऑफ अफेक्शन, कि एक ऐसा काम जिसकी मदद से आप दिखावा कर रहे हैं किसका, अफेक्शन का। अफेक्शन का मतलब होता है प्यार, सम्मोहन, लगाओ, जो आपका अट्रैक्शन होता है उसको अफेक्शन भी बोल देते हैं। अट्रैक्शन अलग चीज है, अफेक्शन अलग चीज है। अट्रैक्शन होता है नॉर्मल अट्रैक्शन, जो हर एक ह्यूमन बींग के अंदर इनहेरिटेड है, जो हमारे डीएनए में है, कि अगर हम किसी के भी पास जाएंगे जो कि नया इंसान है, तो उसके पास बैठते में अट्रैक्शन होगा। लेकिन अट्रैक्शन अलग चीज है, अफेक्शन है लगाओ, उसके प्रति प्यार, ठीक है, वो अफेक्शन हो जाता है। तो आप समझ चुके हैं, आई होप आपको जो 25 idioms हैं सारे के सारे बढ़िया लगे होंगे, मजा भी आया होगा आज की इस वोकैबुलरी की डोज में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर मजा आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और मुझे बताओ किस तरीके से बढ़िया करूँ। जैसे कि कल अजीत ने मेरे से बोला था कि सर idioms पे काम कीजिए, हमारे idioms की जो प्रैक्टिस सेशन है वो कम हुई है, तो इसी वजह से आज मैं जो ये सेशन लेकर के आया था idioms पे लेकर के आया था। तो इसी तरीके से आप मुझे बताओ मैं किस तरीके से आपकी और अच्छे तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है मेरे भाई, अगर बढ़िया लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो, जिससे मैं हर एक भाई की मदद कर सकूँ। और जो अपने बाकी बच्चे जो अभी भी क्लास नहीं ले रहे, उनसे बोलो कि क्लास लें, क्योंकि जब मैं आ जाऊँगा आप सभी के पास तो चेक करूँगा नोटबुक में इन नोट्स को, और अगर नहीं बना रखे होंगे और नहीं पढ़ा होगा तो बेटा वो फिल्म बनाऊंगा जो आज तक आपने नहीं देखी होगी। ठीक है ना, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।